हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, फीचर्स क्या है, ये जाना। और आज इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हालांकि आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है, और पॉपुलर डिवाइस के अलावा कंप्यूटर एक ऑलराउंडर डिवाइस भी है। और ऑलराउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र के हर काम को पूरा करता है, और उन्हीं सारे काम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर पर है आपका बैंकिंग। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में भी होता है। अगर यहाँ से थोड़ा डिफिनेशन पढ़ा जाए तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, मेकिंग डिपॉजिट्स, वाउचर, बैंक सीट्स इटीसी। यानी कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में होता है। तो बैंकिंग में क्या काम के लिए होता है? तो जैसे अगर आपको मनी ट्रांसफर करना होगा उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, अगर आपको डिपॉजिट करना होगा, जमा करना होगा, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, वाउचर बनाना हो, वाउचर आपको पता है ट्रांजैक्शन जो लेन देन होता है उसको हम लोग वाउचर बोलते हैं, वाउचर बनाना होगा उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, इसके अलावा बैंक शीट तैयार करना होगा उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। और इन सारे काम के लिए क्या चाहिए आपको? कंप्यूटर चाहिए। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, और ये मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा उपयोग कंप्यूटर का एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर इज अ वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के पास बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसका उपयोग टीचिंग के लिए होता है, यानी पढ़ाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और लर्निंग सीखने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट प्रोसेसिंग, स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग, यानी किसी भी टाइप का डेटा हो उस पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट के अलावा और भी बहुत सारे जगहों में आपका जो है कंप्यूटर का उपयोग होता है, लेकिन अगर एजुकेशन में देखा जाए तो स्टूडेंट का जो डेटा होता है उस पर प्रोसेसिंग किया जा सकता है। इसके अलावा नोट्स प्रिपरेशन, नोट्स तैयार कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, शिक्षा को लेके जितना भी सारा काम स्टूडेंट करता है वो सारा काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के तौर पे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट फील्ड्स सच एज मल्टीमीडिया। इसके अलावा फिल्म मेकिंग विथ एनिमेशन, यानी कहने का मतलब है एक मल्टीमीडिया के तौर पे आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाने को लेकर विथ एनिमेशन, यानी एनिमेशन जो इफेक्ट्स होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशन, वो आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स, ऑडियो एंड विजुअल डिजाइन, ये सारा काम के लिए क्या करता है, कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर का उपयोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी होता है। और इंटरनेट में एंटरटेनमेंट में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो जैसे फिल्म मेकिंग एनिमेशन, फिल्म मेकिंग विथ एनिमेशन, इसके अलावा मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड विजुअल डिजाइन। ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफिस, यानी कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आप कंप्यूटर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि ऑफिस का जितना भी सारा काम है वो सारा काम कंप्यूटर पर किया जा सकता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, यानी आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, स्टोरिंग एंड डेटा रिपोर्ट्स, सॉरी डिलीटिंग रिपोर्ट्स, यानी जो रिपोर्ट है ना उसको आप स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या रिपोर्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इटीसी इन ऑफिस, यानी ऑफिस में किसी भी टाइप का रिपोर्ट तैयार करना हो, रिपोर्ट को डिलीट करना हो, जमा करना हो, अपडेट करना हो, वो सारा काम आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इस कारण से आप यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस में भी होता है। नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है एज ए प्रचार को लेकर, यानी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट सच एज बिजनेस, यानी कंप्यूटर का उपयोग प्रचार के लिए भी होता है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्र का, जैसे व्यापार हो उसके प्रचार के लिए भी आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, फिल्म एडवर्टाइजमेंट, अगर किसी मूवी का प्रचार करना है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट, शिक्षा का अगर प्रचार करना है, किसी भी टाइप का एजुकेशन हो उसके लिए भी क्या चाहिए आपका, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बिजनेस, यानी व्यापार, यानी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर का उपयोग होता है बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए।
आपको पता है अकाउंट मतलब होता है खाता, और खाता का मतलब होता है जिस बिजनेस के लेन देन को, जिस कॉपी पर, जिस बुक पर एंट्री करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाता। तो ये अकाउंटिंग वाला काम करना है उसके लिए कंप्यूटर सही, और पता है अकाउंटिंग के लिए ज्यादातर टैली सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कीपिंग ऑल रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड्स है ना उसको रखने के लिए, वो भी अप टू डेट, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कंप्लीट, यानी अगर आप देखा जाए तो बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग होता है, इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का उपयोग होता है, एजुकेशन, इसके अलावा बैंकिंग, ठीक है, ये सब सारे क्या है, कंप्यूटर के एप्लीकेशन है। और इसके अलावा हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ इतना ही क्षेत्र होता है, इन इन सारे फील्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग होता है, लेकिन इन सारे जगह में आप ज्यादातर कंप्यूटर देखते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों ने समझा होगा, और ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, फायदा होगा, जो कंप्यूटर में बेसिक जानते हैं, बेसिक जानकारी, जो कंप्यूटर कभी कहीं नहीं सीखे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।